यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम पास करने के बाद बहुत से सिविल सेवक एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुन लेते हैं। बहुत से तो लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी में आईएएस की ट्रेनिंग के दौरान एक दूजे को अपना दिल दे बैठते हैं। आईएएस कपल में कुछ ऐसी जोड़ियां हैं जो सोशल मीडिया की दुनिया में जबरदस्त हिट रहती हैं। इन्हीं चर्चित जोड़ियों में से एक है श्रीराम वेंकटरमन और रेणुराज। श्रीराम वेंकटरमन और रेणुराज दोनों ही आईएएस ऑफिसर हैं। दोनों ने एमबीबीएस किया है। दोनों डॉक्टरी के पेशे से सिविल सर्विस में आए। दोनों अपने समय में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के सेकेंड टॉपर रहे। दोनों एक ही राज्य केरल से ताल्लुक रखते हैं। अप्रैल 2022 में श्रीराम वेंकटरमन और रेणुराज बेहद सादगी के साथ शादी के बंधन में बंधे। श्रीराम की पहली शादी लेकिन कोटायम के रहने वाली रेणुराज की दूसरी शादी थी। रेणुराज जहां यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2014 के सेकेंड टॉपर थी, वहीं श्रीराम यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2012 के सेकेंड टॉपर रहे। रेणुराज वर्तमान में केरल के आलापुझा जिले की कलेक्टर हैं, जबकि श्रीराम केरल स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जनरल मैनेजर हैं। केरल के कोच्चि के रहने वाले श्रीराम वेंकटरमन की स्कूली शिक्षा भावांश विद्या मंदिर गिरिनगर से पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने 2010 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम से एमबीबीएस किया। डॉक्टर रेणुराज ने कोटायम के सेंट टेरेसा हायर सेकेंडरी स्कूल से प्राप्त की और इसके बाद कोटायम के ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई की। डॉक्टर बनने के बाद 13 में उन्होंने डॉक्टरी के साथ ही यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू की। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2014 के पहले अटेम्प्ट में दूसरी रैंक हासिल की। डॉक्टरी की लाइन छोड़ सिविल सेवाओं में आने के उद्देश्य के सवाल पर रेणु का कहना था कि एक डॉक्टर बनकर 50 से 100 लोगों की मदद कर सकती थी, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर बनने के बाद वो लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकती हैं।